नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न इंस्पायर पे। चलो यार, आज बात करेंगे एनएलयू असम के बारे में। आई नो कुछ समय से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, बट यार कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। पर तुम्हारे एडमिशन से पहले गारंटी लेते हैं कि सारे एनएलयू को कवर करेंगे, तुम्हारे डीएआर वो डिसीजन जो है ना गलत नहीं होने देंगे। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नहीं देख रहे हैं वीडियो कर लेंगे। बाकी तुम लोग बहुत प्यार देते जा रहे हो यार इसी बात पे। अब कॉलेज को जो ये सीरीज है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग यार गुवाहाटी में स्थित इस भयंकर कॉलेज की बात करेंगे। जी हाँ, हम लोग देखेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जुडिशियल अकेडमी असम। दोस्त भयंकर कॉलेज है, मतलब अच्छा कॉलेज है एनएलयूज में। आई वुड से तुम खुश रहोगे यहाँ पे। हाँ, बिकॉज इस वीडियो के एंड पता चल रहा होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस कॉलेज को भी अच्छा बना रही हैं। मैं ऐसे कॉलेजेस भी लाऊंगा एनएलयूज में, ऐसे कॉलेजेस भी लाऊंगा जिसमें शायद तुमको एंड में बोल रहा हूँ कि मत जा भाई, मत जा। सो बट एनएलयू असम इज नॉट ऑफ दैट कैटेगरी। सो नो टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, एवरीथिंग अबाउट एनएलयू असम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। उससे पहले कॉलेज को घूमना हम लोग हर वीडियो में करते हैं, तो चलो भाई कॉलेज को घूम कर आते हैं। अच्छा था यार, काफी सारा मतलब काफी सारी चीजें तुम्हें अलग अलग देखने को मिली कैंपस के बारे में, काफी डिटेल में तुमने जाना, बढ़िया थी वीडियो। आई वुड से सबको मजा आया होगा, ठीक है। कॉलेज की डिटेल्स में घुसते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। सो हम लोग देख रहे हैं बेसिक डिटेल्स के बारे में यार, अबाउट द कॉलेज। कॉलेज यार हमारा जो है भयंकर बढ़िया जगह पे स्थित है। मतलब यार ये देख रहे हो नजारा, आसपास कॉलेज के पहाड़ हो रखे हैं भाई, ब्रह्मपुत्र नदी हो रखी है भाई, 150 बीघा के लैंड में आपका अस्तित्व रखा है। पहले कैंपस के कुछ इश्यूज थे ऐसा मुझे पता चला, बट अब एनएलयू असम का धाकड़ कैंपस हो रखा है दोस्त। डिस्टेंस जो है ना वो रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर, एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर, और दिस इज वेरी लाइक डिसेंट इनफ, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैंग आउट प्लेसेस यार जो है ना वो ज्यादा नहीं मिल रही, बिकॉज रूरल एरिया में तुम्हारा कॉलेज से थोड़ा होगा, इस वजह से तुम्हें आसपास कुछ नहीं, तुम्हें गुवाहाटी सिटी में ही जाना होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, और मतलब बहुत डेवलप्ड एरिया में नहीं है, बट इनसाइड द कैंपस यू हैव अ टोटल डिफरेंट लाइफ, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। चलो 2009 में एस्टैब्लिश हुआ था, ज्यादा पुराना नहीं है लेकिन एकदम नया भी नहीं है। कुछ अभी 2017 के आए हैं जिनके बैचेस भी निकले हैं। आई विल टेल यू अबाउट दोस एनएलयूज। सो वो चीजों के लिए हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। कोर्सेस सर बीए एलएलबी है, एलएलएम है, पीएचडी है। सर यहाँ पे बीए एलएलबी की आई थिंक मात्र 60 सीटें अवेलेबल है, जिस वजह से इनका बैच साइज काफी छोटा होता है। आई थिंक बहुत ही आपके बैचेस में मोस्टली एनएलयूज में क्या हो रहा होगा, 120 सीटें हो रही होती हैं ऑलमोस्ट के आसपास, तो डबल यहाँ पे आधे बच्चे हो रहे होते हैं। इससे इस डेटा को लेके ही तुम चीजें कंपेयर करना याद, ठीक है। जब इस डेटा को लो उसी से कंपेयर करना प्लेसमेंट भी, उसी से कंपेयर करना जुडिशियल वाले भी, हर वो चीज जब तुम्हें कॉलेज के बारे में जान, बिकॉज रेशियो में चीजें बढ़ती। मान लो 120 के बैच में कोई 40 में हो रही है, तो 60 में अगर 20 में होती तो वो रेशियो तो सेम ही है ना यार, समझ रहे हो, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग कट ऑफ की याद। देखिए इनको बहुत ज्यादा उसमें मत लेके चलिए, आई वुड से क्या बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो मत करिए, बट हाँ एक रेंज मालूम पड़ती है हमें जब हम कट ऑफ को देखते हैं, क्या इसके आसपास हम होंगे तो हो जाएगा, बहुत अच्छे चांस है दोस्त, ठीक है। सो प्लीज बी अवेयर व्हेन आई एम टेलिंग यू दीज आर द कट ऑफ। सर आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं क्या चीज की, सीट्स ब्रेकअप की। ऑल इंडिया सीट केवल 31 है, 27% 16 सीट है, 4 SC ऑफ असम, ST ऑफ असम 6 और ST हिल्स ऑफ असम 3, तो टोटल सीटें 7 हैं। ये ब्रेकअप हो रखा हो रहा होता है, और आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। तो जनरल वाले 31 हैं,
सीट्स ग्रैब कर सकते हैं, मिल जाती है दोस्त, सही बता रहा हूं, लाइक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फी स्ट्रक्चर सर मतलब ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, एवरेज है, 2,19,000 लगभग आप दे रहे होंगे, है ना। तो इन चीजों को देखें, आपको कौन कौन सी चीजें, सब सब चीजों का वहां पे दिया, लाइब्रेरी डिपॉजिट, हॉस्टल डिपॉजिट, मैच डिपॉजिट, एडमिशन फी आपकी इतनी हो रखी, इसमें कई सारी चीजें वन टाइम भी होती है ना, वन टाइम। तो दीज आर नॉट टू बी पेड व्हेन यू आर लाइक अगली बार आप जब अपने फी पे कर रहे होंगे, जैसे ये देखिए 30,000, 35,000 और 37,500 लगभग, इतने पैसे आप अगली बार नहीं पे कर रहे हो, तो शायद ये आपकी फी जो है वो 2,00,000 से कम में आ जाती है। तो इन चीजों को समझते चलेंगे दोस्त, ठीक है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये 2,00,000 फी जो है, कमेंट्स में मैंने देखा कि सर ये 2,00,000 या 2,50,000 जो फी बता रहे हैं हर साल 5 साल देनी है, तो यार ऑलमोस्ट उसमें से 5 साल देनी होती है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी फी होती है जो कि आपकी इस तरह से हो रही होती है कि वन टाइम होती है, जिस वजह से आपको उसमें डिडक्शन हो जाता है, तो आपकी फीस वहां पे थोड़ी कम हो जाती है, तो 10-20-30-40,000 रुपए कम हो जाते हैं, बट आपको देनी होती है। चलिए सर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, किस चीज के ऊपर हम लोग देखते हैं, फैसिलिटीज। यार फैसिलिटीज, मूड कोर्ट हॉल मिल रहा है तुम्हें, स्मार्ट क्लासरूम्स मिल रहे होते हैं, मीटिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, स्टाफ के लिए अलग क्वार्टर, दो हॉस्टल बने हुए हैं दोस्त, वन फॉर बॉयज एंड द अदर वन इज फॉर गर्ल्स, सिंगल एंड डबल ऑक्युपेंसी दोनों हो रखी है, बताऊंगा किस तरह की है, स्पेशियस डाइनिंग हॉल है बेटा, जिमनेशियम है, योगा है, तुम्हें योगा के सेंटर में लगा, प्रेयर हॉल है, लाइब्रेरी रूम अच्छी बनी हुई है, लाइब्रेरी अच्छी बनी हुई है दोस्त, ठीक है। अंदर की फोटोज तुमने देखी होंगी इंट्रो वीडियो में भी, और अभी भी दिखाऊंगा आगे, ठीक है। फोर स्टोरी बिल्डिंग है, अच्छी बिल्डिंग है दोस्त, काफी काफी काफी, देखो मैं तुम्हारा है ना, फिर तुम्हारा ये रूम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सब चीजें समझ में आ रही है दोस्त। चल ओके सर आगे बढ़ते हैं और नजारे लेते हैं, ये शायद तुम्हारा कॉन्फ्रेंस रूम होगा, है ना, इस तरह से ये तुम्हारी बिल्डिंग्स के नजारे बहुत ज्यादा ऐसे डिजाइन वाइज बिल्डिंग जो है ना, तुम कहो बहुत सुंदर सुंदर सी है, तो ना अच्छी अच्छी सी है, ठीक ठाक है ना, हॉस्टल देख सकते हो तुम, शायद ये हॉस्टल कॉरिडोर होगा, अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, नए बने यार बिल्डिंग्स, नई बनी है तो फिनिशिंग है, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी कुछ हॉस्टल तुम देखोगे ना, आई थिंक मुझे कोई बता रहा था कि मतलब कुछ ऐसे सरकारी कॉलेजेस हैं, लाइक आई थिंक BHU की बात कर रहे हैं या तो वहां पे यू विल फाइंड कि उतना अच्छा इस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। पर अभी कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले BHU की वीडियो आएगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, है ना, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन निकालूंगा तुम्हारे बारे में, तब तुम्हारे लिए तब बताऊंगा, बाकी अभी देख सकते हैं, ठीक है। कर्फ्यू टाइमिंग से गर्ल्स के लिए 12 बजे बॉयज के लिए 2 बजे हो रही होती है, ये चीज बराबर करो सर कॉलेज वालों, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों लोग साथ में घूमेंगे। इवेंट्स यार, अभी वीरा नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट होता है NLU असम में, ठीक है, ये नेशनल स्पोर्ट्स फेस्ट होता है जो ये कॉलेज कंडक्ट कराता है, पूरे ऑल ओवर कंट्री से यहाँ पे भी टीम्स आ रही होती हैं और अच्छे से जो है इंजॉय कर रही होती हैं, बढ़िया प्राइस हो रहे होते हैं, ठीक है। अदुज कल्चरल फेस्ट होता है दोस्त, गुरजीत सिंह मेमोरियल नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है दोस्त, वोक्स एनाटोलिस नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है दोस्त, तो आई वुड से डिसेंट इनफ, ऐसे कॉलेजेस भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं और आगे तो दिखाऊंगा भी, जहां इसमें से कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, दीज आर वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर कॉलेज, तुमको ये सब चीजें एक्सपोजर प्रोवाइड करती है, तुम्हें और लोगों से मिलने का मौका देती है, तुम्हें बताती है कि हाँ जो तुम कुएं के मेढक बन के बैठे हो, केवल तुम ही यहाँ के राजा नहीं हो, बहुत सारे लोग बहुत बहुत टैलेंटेड बहुत सारी फील्ड में बैठे हुए हैं, तो वेन दे कम टू योर कॉलेज, वेन दे कम टू वॉच यू, वेन दे कम टू कम्पीट विद यू, देन यू रियलाइज कि हाँ यार अब मजा आ रहा है NLU का, अब मजा आ रहा है पूरे नेशनल लेवल के एक्सपोजर का, ठीक है। So, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, हम लोग अब बात कर रहे हैं किस चीज की, हॉस्टल फैसिलिटीज की, हॉस्टल फैसिलिटीज समझो यार, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर को डबल रूम मिल रहा होता है, थर्ड से फिफ्थ ईयर को सिंगल रूम मिल रहा होता है, ठीक है। चलिए सर, जिमनेशियम, मेस फैसिलिटीज, इंडोर प्लेइंग फैसिलिटीज और आरओ ड्रिंकिंग वाटर तुम्हारा हॉस्टल के अंदर तुम्हें मिल रहा होता है, इस चीज की वजह से कोई दिक्कत नहीं आ रही होती है। सर 200 नंबर यहाँ पे हैं यार, यहाँ पे इन पांच चीजों से तुम्हारा कुछ कुछ परसेंटेज लेकर तुम्हारे 200 नंबर का टारगेटिंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे शायद तुम्हारा 100 नंबर का पेपर उसके 50% लिया तो उसके 50 नंबर ले लिए, ऐसे करके तुम्हारे 100% में से 200 नंबर में से एक तुम्हारा बना रहे होते हैं ये पूरा डिविजन। ओके क्लियर है यार। चलिए सर
अब बात करते हैं किस चीज की, हम लोग देख रहे हैं प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार। कॉलेज के अंदर एक्चुअली कल्चर क्या है, कॉलेज के अंदर यार कॉर्पोरेट का उतना कल्चर नहीं है, समझो। अभी बताऊंगा व्हेन आई विल टॉक अबाउट व्हाई यू शुड नॉट गो टू एनएलयू असम, उसके रीजन बताऊंगा ये चीज, ठीक है। सो करंटली जुडिशियरी कल्चर कह रहे हैं कि ठीक ठाक है, जो ये 31 बच्चे देने वाले पहुंचते हैं इनमें से अच्छे खासे लोग जुडिशियरी लिखने की तैयारी कर रहे होते हैं। पीपीओस प्री प्लेसमेंट ऑफर यार 60 के बैच में 3 से 4-5 लोगों को मिल रहा होता है जो बहुत मेहनती होते हैं। समझ लो तुम टॉप के बच्चे हो तो तुम्हें शायद शायद कुछ कंपनियों में नौकरी अच्छी मिल रही होगी पीपीओस में, और 8 से 12 लाख का पैकेज जो है वो हाइएस्ट जा रहा होता है, ऐसा मुझे वहां के बच्चों ने बताया। ये डेटाज एकदम स्ट्रॉन्ग एकदम अथॉरिटी वाले नहीं होते हैं, बट यार ये अंदर की बातें हैं, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। ये यूनिवर्सिटी एक्चुअली डोंट रिलीज देम, बट वी गेट टू नो व्हेन वी आर इन इंस्टीट्यूशन ना, तो हमें एक वाइब मालूम पड़ती है कि हाँ इन सीनियर को कितना लग रहा है, उस सीनियर को कितना लग रहा है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, ओके। सो 8 से 12 लाख का एक हाइएस्ट पैकेज दिख रहा होता है, 4 से 5 पीपीओ मिल रहे होते हैं, इनकी भी रेंज डिपेंड कर रही होती है, मतलब अलग अलग कंपनीज है ना, ठीक है सर। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग कमिटीज और रिसर्च सेंटर्स के नाम। अच्छी खासी कमिटीज हो रखी हैं, डिसेंटली फंक्शन करते हैं, नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए भी काफी काम हो रहा होता है, रिसर्च का एनवायरमेंट भी अच्छा हो रखा है, प्रोजेक्ट वर्क वगैरह में काफी ध्यान दिया जाता है ऐसा मुझे बताया गया, ठीक है। टीचर्स मतलब जो है काफी ध्यान रखते हैं, सो यू आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑल्सो। ये सेंटर्स जो है ये भी अच्छा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यू आर गेटिंग ऑल व्हाट इज रिक्वायर्ड इन अ कॉलेज, सो यू आर आपको ऐसे वंचित नहीं रखा जा रहा है, समझ पा रहे हो दोस्त। चलिए सर हम लोग अपने लास्ट पॉइंट पे वीडियो को एंड करने से पहले आखिरी कोई क्वेश्चन पूछने आ चुके हैं, कौन सा सर, कि जाए कि ना जाए। चलो एनवायरमेंट पीसफुल है दोस्त, स्कूल का जीवन जियोगे, ऐसी बढ़िया जगह पे कॉलेज हो रखा है ना, मतलब अगर 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 पीस लविंग बंदे हो प्लीज को, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, मतलब इतने रूरल एरिया में सुगंध, बढ़िया हवा, बढ़िया सब कुछ, बढ़िया कैंपस, उसमें जो है हमारी फैसिलिटीज सही हो रखी है, एनवायरमेंट और पीसफुल, ये समझ लो, ठीक है। दिस आर रिलेटेड रिसर्च एनवायरमेंट हो रखा है दोस्त, मैंने बताया फैकल्टीज एंड स्टूडेंट्स आर फोकस टुवर्ड्स रिसर्च, तो शायद इसकी वजह से शायद लोग फॉरेन में मास्टर्स करने भी जाते होंगे, काफी बच्चे हैं ना। फैकल्टी का रिव्यू अच्छा आया है, ठीक है। फैकल्टी इज ऑल्सो गुड, दे आर ऑल्सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, है व्हाई नॉट। लो कॉर्पोरेट कल्चर, नो टीयर वन फर्म्स आर कमिंग, लोकेशन डिसएडवांटेज, छोटा बैच है दोस्त। लिसन, when we talk about Delhi and Bombay, this I repeat in almost every of my each one of my videos, आप उन colleges में जब जाते हो जो इन places पे स्थित हैं, तो you have this exposure to the companies, you have this exposure to the course very easily, transportation easy होता है, and your campus is in the middle of the city, so that gives you an advantage. तो आप अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो अलग अलग, अपने कॉलेज के दौरान ही इंटर्नशिप कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे की वीडियो लाऊंगा, तब तुम्हें समझ आएगा इसका कितना 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 महत्व होता है, ठीक है। एमएनएलयू बॉम्बे के बारे में भी लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, आने वाली है वीडियो प्लीज, है ना। तो उन सब चीजों तुम्हें समझ में आएगा कितना 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 इंपॉर्टेंट होता है यार, ठीक है। लोकेशनल डिसएडवांटेज इसी को मैं बोलता हूँ, जब कॉलेज दूर स्थित होता है जाके, तो यू डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर कॉलेज, समझ पा रहे हो। सो दैट इज वॉट इट लाइक इट इज, सो इट्स, और दूर होने की वजह से अब एक कंपनी, मान लो मैं ही एक कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं अपने आसपास के जो कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, पहले उनमें जाऊँगा, उनमें से मुझे बच्चे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल गए, तो मैं क्यों कहीं और जाऊँगा। सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग की नो टीयर वन फर्म्स आर कमिंग, ठीक है। सो विच इज वाई पीपल आर नॉट गेटिंग हाई अमाउंट ऑफ प्लेसमेंट, ऑल द स्टूडेंट्स टैलेंटेड होंगे, पढ़ने में अच्छे होंगे, सब चीजें होंगी, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू आर फेसिंग अ डिसएडवांटेज सर। चलिए तो आप इन सब बातों को ध्यान रखने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं, बिकॉज कॉलेज ठीक है यार, मतलब दमदार बंदे हो तुम, मेहनती बंदे हो, कर सकते हो कुछ वहां जाके। तो मिल रहा है अगर एनएलयू ये वाला, तो जा सकते हैं लोग। बाकी वीडियो पसंद आई हो यार तो यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, फैला तो रही हो तुम लोग वीडियोस को, व्यूज भी बढ़िया आ रहे हैं, पर व्यूज जितने आ रहे हैं उतने सब्सक्रिप्शंस नहीं आ रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो चलो जो लोग वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भाई तुम्हें
रिक्वेस्ट है मेरी, उस बटन को दबा दो, तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है, मेरे को यहाँ पे बहुत मोटिवेशन मिल जाती है यार। ठीक है, तो अभिषेक भाई के लिए अपने इतना तो कर सकते हो ना। चलो ठीक है, और कोई डाउट हो या तो इंस्टाग्राम पे पूछो, टेलीग्राम पे भी आओ यार 1022 वाले बैच वाले, तुम लोगों के लिए भी बढ़िया हम लोग जो है प्लान कर रहे हैं, अभी क्लैट के बाद काफी सारी चीजें तुम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, चलो विद दैट नोट लेट्स एंड द वीडियो, टाटा बाय बाय।